वेलकम गाइस, कैसे आप सब? आई होप कि आप सब अपने घर में खुश होंगे। बात करेंगे अल्लाह ताला सबको अपने घर में महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। तो कल आती है सितारा यासीन की वीडियो, जिसमें कुछ भी नहीं रहता ऐसा कुछ खास, बस कौसर नामा, चाय कप सौसर और मुस्तफ़ा की शादी, यही टॉपिक रहता है। और फिर अपना ये पुराना रोना धोना जो लाखों बार आके उन्होंने वाइटी पे रोया है कि बहुत ये गरीब थी, गुर्बत थी, बच्चों के पास पहनने के कपड़े नहीं थे, खटमल काटते थे, और मतलब कोई भी गरीब इंसान ऐसे सिचुएशन में नहीं ज़िंदा रह सकता था जैसे सिचुएशन में ये ज़िंदा रह गई। और जिस तरह से इन्होंने अपना घर दिखाया था पुराना, जब व्लॉगिंग करती थी ये, तो वहाँ पे लेदर का सोफ़ा था, घर भी बहुत अच्छा था, सब कुछ था इनके पास, पूरी फैसिलिटी थी, और फिर भी आके इनको झूठ बोलना है और लोगों को झूठ बोलकर अपने तरफ माइल करना है, सिंपैथी लेना है इनका शुरू से। अच्छा, जिस औरत के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं रहेगा, बच्चे इतनी परेशानी में रहेंगे, वो औरत कैसे हिम्मत कर सकती है कि अपने हस्बैंड की दूसरी शादी करे, दूसरा निकाह करे, उस पर सिग्नेचर करे। इसने साइन किया तभी निकाह हुआ, वरना निकाह नहीं होता। और फिर इसने बाज़ाब्ते दिखाया है कि अपने हस्बैंड की सेकंड वाइफ का ये पूरा शॉपिंग कर रही है शादी की, तो इसके पास शॉपिंग के पैसे कहाँ से आए? ये मतलब शुरू से ये यही कर रही है, अपने बच्चों को ये नज़रअंदाज करती है। जब इसके पास पैसे नहीं थे तब भी ये बच्चों को नज़रअंदाज करती थी, और आज भी जब इसके पास पैसे हैं तो भी ये नज़रअंदाज कर रही है। कौसर को घर में ला के रखी हुई है और फुल ध्यान इसका कौसर के ऊपर है, कौसर के कॉन्टेंट बनाने के ऊपर है इसका, बच्चे क्या पढ़े क्या कर रहे हैं उसके ऊपर इसका कोई भी ध्यान नहीं। तो इसके जो सपोर्टर हैं जो इधर उधर जाके कमेंट करते हैं, तो वो इसको कमेंट करें ना कि बीबी तो अपने बच्चों को देख, तो कौसर को शादी करके लाई, फिर इतना तमाशा किया, रोई धोई, और फिर उसके बाद तूने कौसर को अपने यहाँ रख लिया, ये क्या तमाशा है इसका? शौहर की का भी खर्चा उठा रही है बेचारी, तेल लाती है बेबी का, बेबी का शैम्पू ला रही है, डायपर ला रही है, वो सारा कुछ वाइटी पे दिखा रही है, एक एक बॉटल दे रही है और दिखा रही है। क्यों? उसका हस्बैंड नाकारा है, नाकारा है तो उसने शादी क्यों किया, इसने सिग्नेचर क्यों करवाया, इसने शॉपिंग क्यों किया? ये क्या मतलब अंधे लोग हैं? ये पूछे ना जाके, सवाल करे ना इससे कि तूने इसकी शादी क्यों करवाई? अगर तूने इसका खर्चा उठाना था, तुझे ही सारा खर्चा उठा रही, सारी जिम्मेदारी निभा रही है, तो तूने शादी क्यों कराई? फिर शादी कराई तो फिर रोई क्यों आके यूट्यूब पे, सिंपैथी क्यों ली सबसे कि हाँ मुझे ऐसे हो रहा है, मेरे हस्बैंड ने ऐसे जुल्म कर किया, मेरे पर सेकंड वाइफ ऐसे जुल्म करी, तो फिर क्यों रोई? अच्छा, हस्बैंड ने इसके घर ले चुका है, घर है सब, सारा सामान उसने ले आया वहाँ पे, फिर भी इसके यहाँ पड़ी हुई है कौसर। क्यों भाई, तेरी जिम्मेदारी तो नहीं है कौसर? ऐसे तो लोग बड़ा बोलते हैं कि इसकी ज़िम्मेदारी नहीं, तो फिर इसकी ज़िम्मेदारी कैसे हुई? इसके यहाँ कौसर क्या कर रही है? और कौसर को इसने कहा कि मैं नहीं उठाती हूँ, तीन दिन जब कौसर इसके ब्लॉग में नहीं नज़र आई तो इसने कहा कि मैं नहीं दिखाती हूँ, मैं नहीं उसके रूम में जाती हूँ, सोई रहती है, मैं नहीं डिस्टर्ब करती हूँ। तो ख़ुद अपने इसके पास आई कौसर के, हाँ इंजेक्शन दिलवाना है तो ही मैं इसका वीडियो बना रही, परसों की वीडियो में इसने ये बात कही। अच्छा, कल इसे चाय का इंतज़ार कर रही थी, चाय बना रही थी, कौसर का वेट कर रही थी कि कौसर आएगी तो साथ में मिलके चाय पियेंगे, तो ये कौसर कौसर कल तो खुद कर रही थी ये, तो ये इतना मतलब झूठ बोलती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं है, इसका झूठ सब पकड़ा जाता है, लेकिन फिर भी ये बेशरम लोग हैं, ये ऐसे ही झूठ बोलते रहेंगे। अच्छा, अभी ये बोलती है कि मैं किसी से नहीं बोलती थी, मैं अल्लाह से बातें करती थी, जो भी परेशानी थी मैं दूसरों से नहीं बताती थी, रिश्तेदारों से नहीं बताती थी। तो ये जब से मतलब तो आई है वाइटी पे, तो मुझे प्लॉट चाहिए, मुझे घर चाहिए, मुस्तफ़ा की शादी करना है उसके लिए घर चाहिए, तो मतलब के हज़ार मतलब बता के इसने भीख मांगा है वाइटी पे। तो ये कैसे बोल सकती है कि हाँ मैंने कुछ बोला ही नहीं है किसी को, जब इसको ज़रूरत होती है, ज़रूरत क्या, इसको मतलब हवस हो गई है पैसे की, और इसके सपोर्टर को भी हवस हो गई कि इसको मतलब जितना कुछ मिले सब इसको ही मिले, और कोई भी ना इसके मतलब ये आसपास भी ना आए इसके। तो अच्छा, रील बनाने की बात कर रहे थे सब कमेंट में कि रील बनाओ रील बनाओ, तो अच्छा एडवाइस दे रहे हैं क्योंकि इसको ढकेलना है गुनाह की तरफ इसको, तो इसके सपोर्टर इसके बराबर के हकदार होने चाहिए ना इसमें, तो वो अपने हक़ अदा कर रहे हैं इसको दोजख तक लेकर जाने की, कि रील्स बनाओ, सीने पर से दुपट्टा हटा हटा के लोगों को दिखाओ, नाचो डांस करो, डाक डाक लिपस्टिक लगा कर लोगों को दिखाओ, तो अच्छा है ये अपना फ़र्ज़ निभा रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे जो इनकी लीगल बहन है
वो उनकी लाइफ में कल नैना को बहुत कुछ बोला जा रहा था, बहुत मजाक उड़ाया जा रहा था नैना का कि नैना ऐसे मेकअप करके गई थी और डिलीवरी नहीं हुई है, कि सीजीरियन नहीं हुआ है उसका, उसका बच्चा अडॉप्टेड है, बहुत सारी बातें। तो जब यही बातें कौसर के लिए कही गई थी तब ये खामोश बैठी हुई थी। अच्छा ये कुरान का दर्स देती हैं, इनका चैनल पे कुरान पढ़ाई जाती है, लेकिन देखें यहाँ पे कितना मतलब पार्शलिटी ये करती हैं, कितना दुबलापन इनके अंदर है कि कौसर का इंसान ने सब साफ देखा है कि वो आई है और सीजीरियन है और वो मशीन पे कपड़े सी रही है, सिलाई कर रही है। तो ये कहाँ से मतलब होता है कि लेडी को सीजीरियन हुआ है और वो कपड़े सिए। तो यहाँ पे किस मुँह से नैना को ब्लेम कर रहे हैं, नैना के ऊपर ये तनकीद कर रही हैं, और जितने ब्लंडर सितारा ने मारा है कौसर के डिलीवरी के टाइम वैसा ब्लंडर तो यहाँ पे कुछ हमें नज़र नहीं आ रहा है। लेकिन इनको भी मतलब कुछ अल्लाह का खौफ नहीं है, इसीलिए वाईटी पर आके अच्छे ये सितारा को नहीं खुद को सपोर्ट करने आई हैं, खुद को का चैनल था इनका उसको ग्रो करने के लिए आई हैं और कोई बात नहीं है। तो इनको झूठ सच कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ना अल्लाह का इनको खौफ है। अल्लाह ताला इन सबको हिदायत दे। मेरी वीडियो यहीं तक थी, मेरी वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे। अल्लाह हाफिज़।